बंगाल के वीरभूमि जिले की तरह त्रिपुरा जिला भी सिद्धों की भूमि रही है। यहाँ अनेक सिद्धों और योगियों ने जन्म लेकर साधना की है। इसी जिले के खेउड़ा ग्राम में विपिन बिहारी भट्टाचार्य नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। विपिन बिहारी का आदि निवास स्थान विद्याकूट था। खेउड़ा गांव में इनका ननिहाल था। विपिन बापू की पत्नी बंगाल की परंपरा के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ व्रत तथा अनुष्ठान बराबर करती रहती थी। कहा जाता है कि इनके पूर्वजों में कुछ लोग सिद्ध पुरुष थे। विपिन बाबू की आमदनी सामान्य थी, किसी प्रकार से गृहस्थी की गाड़ी चल ही रही थी। विपिन बापू की माँ को जब एक दिन यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्रवधू गर्भवती है, तब वे कस्बे के प्रसिद्ध काली मंदिर में लड़का पैदा हो कहने के लिए गईं, पर विग्रह के सामने अपनी इच्छा को प्रकट न कर सकी। विपिन को लड़की प्राप्त हो। विपिन बाबू की पत्नी इसके पूर्व कई बच्चों को जन्म दे चुकी थी, परंतु सभी का निधन हो गया था। पुत्र शोक के कारण पत्नी की स्थिति खराब हो गई थी। सास की मनोती के कारण मोक्षदा को लड़की के स्थान पर लड़की प्राप्त हुई। 3 अप्रैल सन 1896 ईस्वी रात 3 बजे विपिन बाबू के घर नवजात कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम रखा गया निर्मला सुंदरी। दूध की तरह गौर बड़की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्मला अत्यंत रूपवती और आकर्षक आकृति वाली थी। सहेलियों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस लड़की के कई नाम रखे, कमला, विमला, तीर्थवासिनी, दाक्षायणी, गजगंगा आदि। निर्मला के जन्म के पूर्व एक और लड़की पैदा हुई थी जिसका निधन हो गया था। इसी शंका के कारण निर्मला को जन्म के दूसरे दिन से नित्य उसकी माँ मोक्षदा आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे रख देती थी। यह क्रम 18 माह तक जारी रहा। अधिकतर शिशु भूमिष्ठ होते ही रोने लगते हैं, पर निर्मला शांत रही। इस बारे में भक्तों के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था, रोती क्यों? उस वक्त कमरे में लगे टट्टरों के सुराख से बाहर का दृश्य देख रही थी। अबोध रहते हुए भी बचपन से निर्मला देवी देवताओं के दर्शन करती। अनेक अलौकिक दृश्य चलचित्र की भांति उनकी नज़रों से गुजर जाते थे। उन दिनों जब कभी कीर्तन सुनती तब भाभा वेश में आ जाती थी। जिस कमरे में निर्मला का परिवार रहता था हमेशा अंधेरा रहता था, इसलिए निर्मला में होने वाली प्रक्रियाओं को लोग देख नहीं पाते थे। लोकालय में जब कभी निर्मला को समाधि लग जाती तब माँ सोचती कि लड़की को नींद लग गई है। वे बिगड़कर कहती, सोती क्यों है, कीर्तन क्यों नहीं सुनती? निर्मला उन्हें कैसे समझाती कि वो सो नहीं रही है, बल्कि यह अपने आप हो रहा है। यह स्थिति कभी कभी भोजन करते समय हो जाती थी, तब वे किसी और एकटक देखने लगती थी। तब माँ यह दादी बिगड़कर कहती, ऊंट की तरह मुंह ऊपर क्या उठाए बैठी है, खाना नहीं खाना है। 2.5-3 साल की लड़की के लिए यह समझाना कठिन हो जाता था कि वह शून्य में कितने अलौकिक दृश्य देख रही है, उसके भीतर कितनी प्रक्रियाएं अपने आप हो रही हैं। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, उसे करवाया जा रहा है। निर्मला की स्कूली शिक्षा सामान्य रही, लेकिन एक बार जो कुछ लिखा या पढ़ा दिया जाता था उसे वे भूलती नहीं थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है, जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं वे जरूर कुछ पकड़ लेंगे, लेकिन आदमी को देखकर या पुस्तकें पढ़कर मेरी शिक्षा नहीं हुई। मेरा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई चर्चा नहीं थी। चारों ओर मुसलमानों के घर थे, वे लोग कभी पढ़ते लिखते नहीं थे, उनके साथ हमारा मेलजोल नहीं था। क्योंकि सभी मुझे प्यार करते थे और आदर देते थे, मेरी माँ की मनाही थी, इसलिए स्नान के पूर्व के सिवा और किसी समय मुसलमानों के घर नहीं जा पाती थी। पिताजी ने बचपन में मुझे बाल शिक्षा के नाम पर काखा और सामान
संयुक्त अक्षर के ज्ञान की शिक्षा दी थी। एक दिन सीधा, एक दिन उल्टा काका पढ़ती रही। इसके बाद दूर के रिश्ते में लगने वाले पिताजी के एक मामा ने मुझे एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया। निम्न प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद माँ बाप ने निर्मला के लिए तेजी से लड़की की खोज की। विक्रमपुर के आठपाड़ा गांव का एक लड़का इन्हें पसंद आ गया। नाम था रमणी मोहन चक्रवर्ती, पुलिस महकमे में काम करता था। विवाह के कुछ दिनों बाद रमणी मोहन की नौकरी छूट गई। इसके बाद वे ढाका के नवाब के यहाँ नौकरी करने लगे। नई जगह, घर में निर्मला अकेली रहती थी। पड़ोस में जब भागवत पाठ होता तब वहाँ चली जाती थी। अब तक निर्मला को भावावेश सुनसान कमरे में होता था, वहीं समाधि भी लग जाती थी। लेकिन अब आम लोगों के सामने यह दृश्य होने लगा। उस समय उनका सारा शरीर काबू के बाहर हो जाता था। इसी दौरान आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि उनके शरीर में होने लगते थे। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपरिचित थे वे सोचते कि निर्मला को हिस्टीरिया की बीमारी है। स्वयं रमणी बाबू यह दृश्य देखते पर उनकी बुद्धि काम नहीं देती थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तुम्हारी पत्नी पर भूत का साया है, अच्छे ओझा को बुलाकर दिखाओ वरना जीवन भर परेशान रहोगे। ओझा आकर देखते पर उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम ना देता। कई ओझा तो निर्मला को मामा कहते हुए नमस्कार करते और कई यह कहकर चल देते कि इसे ठीक करना मेरे बूते के बाहर की बात है। सन 1922 की घटना है। अचानक एक दिन निर्मला के भावों में परिवर्तन होने लगा। इस घटना के 3 महीने बाद झूलन पूर्णिमा को अर्धरात्रि के समय निर्मला की दीक्षा क्रिया अपने आप हो गई। दीक्षा के बाद लगातार 5 माह तक निर्मला के शरीर पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि होते रहे। रमणी बाबू रात का भोजन करने के बाद जब सो जाते थे तब जमीन पर आसन बिछाकर निर्मला साधना करने लगती। कभी कभी नींद खुल जाने पर रमणी बाबू देखते कि वह बेखबर सो रही हैं, पर उनकी उंगलियां जब की तरह निरंतर चल रही हैं। बाजितपुर रहते समय ही निर्मला माँ के शरीर में योग क्रियाएं प्रकट होती रहीं। साधारण लोग इसका मर्म नहीं समझ पाए थे। कोई इसे भक्ति आवेश, कोई रोग समझता रहा। कुछ लोग इलाज की सलाह रमणी बाबू को दे चुके थे। निर्मला जी के ममेरे भाई निशिकांत भट्टाचार्य उन दिनों बाजितपुर में थे। एक दिन इस दृश्य को देखकर उन्होंने रमणी बाबू से कहा, यह सब घटना आप चुपचाप देखते जा रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर या कविराज को क्यों नहीं दिखाते। उस समय निर्मला घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। अपनी चर्चा सुनते ही निर्मला के भावों में परिवर्तन होने लगा। वह आसन पर तनकर बैठ गई और अपने ममेरे भाई से पूछा, क्या करने को कह रहा है रे। यद्यपि निर्मला ने इन बातों को सहज ढंग से कहा था पर उनकी आवाज और मुद्रा देखकर निशिकांत भट्टाचार्य डरकर कई कदम पीछे हट गए। उन्हें अपनी बहन का व्यवहार अस्वाभाविक लगा। निर्मला ने पुनः कहा, डर गया? डर मत। निशि बाबू ने कहा, आप कौन है? पूर्ण ब्रह्म नारायण। निर्मला की बातें सुनकर रमणी बाबू चौंके। विस्मय से उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? महादेव, महादेवी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सहसा निशि बाबू ने पूछा, क्या आपकी दीक्षा हो गई है? हाँ, हो गई है। रमणी बाबू की? नहीं, आज से 5 माह बाद होगी, 15 अगहन गुरुवार द्वितीया तिथि को। निर्मला के इन उत्तरों को सुनकर निशि बाबू का माथा गोल हो गया। दोनों ही यह बात जानते थे कि निर्मला को पंचांग देखना नहीं आता। तुरंत पड़ोस से पंचांग मंगाया गया ताकि यह मालूम किया जाए कि उस दिन उक्त तिथि वार है या नहीं। पंचांग देखने पर ज्ञात हुआ कि सारी बातें ठीक हैं। 5 माह बाद रमणी बाबू की दीक्षा हुई। उसी दिन से वे अपनी पत्नी को माँ कहने लगे। निर्मला ने अपने पति का नाम रखा भोलानाथ।
एक प्रकार से यह अद्भुत कांड था। रमणी मोहन के पूर्व निर्मला देवी को सर्वप्रथम माँ नाम से संबोधित करने वाले हर कुमार थे। उनके बारे में निर्मला देवी ने कहा है, हरनाथ वह पहला व्यक्ति था जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा था। भोलानाथ उसे बच्चों की तरह प्यार करते थे, लेकिन मैं उसके साथ बात नहीं करती थी। वह दोनों जून आता, मुझे प्रणाम करता और मुझसे पानी मांगता। प्यास लगी है इसलिए पानी नहीं मांगता था। मेरे हाथ से पानी पीने की उसकी आदत थी। उसका कहना था कि किसी के हाथ से पानी पीने पर यह समझ में आ जाता है कि वह व्यक्ति सत्व रज या तम कौन सा गुण वाला है। जब उसकी अन्यत्र नौकरी लग गई तब वहाँ जाने के पहले मुझे कहता गया, मैंने तुझे माँ कहकर पुकारा और तूने जवाब नहीं दिया। एक दिन तुझे जमाना माँ कहकर पुकारेगा। आगे चलकर उसकी बातें सही हुई। सन 1942 ईस्वी में श्री ज्योतिष चंद्र राय नामक एक युवक निर्मला देवी के पास आए। वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वप्रथम निर्मला को माँ आनंदमयी के नाम से संबोधित किया। आगे चलकर निर्मला देवी का यही नाम उनके भक्तों में प्रचारित हो गया। लोग उनका वास्तविक नाम एक प्रकार से भूल गए।